बेमित्रा जिले के मोरेगा गांव में मामूली बात को लेकर एक युवक ने महिला को हाथ और मुक्कों से पीटा, महिला घायल हो गई। आपको बता दें कि 26 जनवरी की शाम बेमित्रा थाना क्षेत्र के ग्राम मोरेगा में एक युवक ने महिला को पीटा जिससे महिला घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के पेट में दर्द होने के कारण बीते दिनों उसका ऑपरेशन भी हुआ था। इस बात की जानकारी युवक को थी जिसके बाद भी उसने महिला की पिटाई की। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम आपका? राजेश साहू। जिला अस्पताल कैसा है? अरे मेरे माँ को किसी ने मार दिया, किस्मत यादव ने, इसलिए मैं अपने माँ को जिला अस्पताल लाया हूँ। और किसने मारा था? हाथ में मारा, बाल को इंचकर हाथ में मारा था, गला वेल सूजन हो गया। तो इसकी FIR जो आपने लिखवाया था? हाँ, मैं लिखवाया था 26 जनवरी को दिन। तो क्या हुआ अभी तक? अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हुआ है। कौन है व्यक्ति जो है? व्यक्ति है विश्वत यादव, उसका पिता का नाम है बबला यादव। कैसा लूँ आप लोगों को? अभी मेरे को सूचना मिला कि मोरेंगा में 26 जनवरी को शाम 4 बजे विश्वत यादव ने, मोरेंगा निवासी है और रमला साहू पति मन्नू साहू को घर में जाकर घुसकर बहुत घसीट कर मारा पीटा गया है। और ये घर वाले ने इतना पल्ला परेशान है, बहुत रोने गाने लगा कि मतलब मेरे माँ को बचा लो, मेरे माँ को बचा लो। और जो मारपीट करने वाला भाई मुजरिम अभी तक आजाद घूम रहे, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं किया है। और पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है कि हाथ पैर में और गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, रोने गाने लगा, और हम उसी को मतलब लेकर मतलब हॉस्पिटल आए हैं। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस प्रशासन क्यों मतलब अपना मतलब कदम आगे नहीं बढ़ा रहे? आज मतलब तीसरा रोज हो गया। पुलिस से मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द उसको तत्काल मतलब कार्रवाई करके उसको मतलब तत्काल उसको उठा कर लाएँ और उसको अरेस्ट करें, और उसको जो भी कार्रवाई है नियम के तहत उसको सजा मिलना चाहिए, तभी हमें संतुष्टि होगा। अभी तक की मतलब सरकार ने मतलब बोलते हैं कि हम मतलब महिला सुरक्षा कर रहे हैं, बाकी जितना भी है मतलब आतंकवाद की तरह यहाँ पर मतलब घूम रहे हैं, और अभी तक के मतलब महिला सुरक्षा के मतलब ध्यान है मतलब प्रशासन को एक भी नहीं है, और मुजरिम मतलब दिन दहाड़े घूम रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तत्काल उसमें ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।